हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंत्रा स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को इस वीडियो बताने वाले हैं कि यूपीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया गया है। जी हाँ, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आपको 2019 और 2020 का कैलेंडर यूपीपीएससी ने जारी कर दिया गया है। ठीक है, जैसा आप जानते हैं कि अभी आयोग के सदस्य बदले गए हैं, उनमें अध्यक्ष भी हैं और उसमें सचिव भी हैं। ठीक है, काफ़ी कटियार जी के जेल जाने के बाद से यह परीक्षा कई सारे धांधली होने की वजह से अभी तो लटकी हुई थी, और जो कैलेंडर जारी हुआ था उसको रद्द करके नया कैलेंडर आ गया है। तो इसके विषय में हम चलिए वीडियो बताते हैं, आगे वीडियो में हम बताएंगे। उससे पहले अगर चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद लाइक ना डिसलाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए, और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और लगातार नए नए लेटेस्ट वीडियो पाते रहिए। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है, यह 25 जुलाई 2019 को यह विज्ञापन जारी किया गया है, यानी कि आज के दिन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यह 25 जुलाई को विज्ञापन जारी हो चुका है जो मेरे पास आया है, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2019 यानी कि सितंबर माह से लेकर दिसंबर माह तक का कैलेंडर जारी किया गया है। साथ ही साथ 2020 में जो परीक्षाएं आयोजित होगी उससे भी कैलेंडर में सम्मिलित किया गया है। तो पहले मैं 2019 में जो परीक्षाएं बची हुई हैं मैं इसमें दिखा देता हूँ, फिर आपको 2020 की परीक्षाएं दिखाऊंगा। तो देखिए, इसमें जो है 2019 में जो आपको परीक्षा होने बाकी है, यानी कि सितंबर से लेकर आपको जो दिसंबर तक जो परीक्षाएँ होनी हैं, वह आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है कि इसमें 6 एग्जाम कराए जाएंगे 2019 में। ठीक है, 6 एग्जाम कौन कौन से हैं इसमें आप देख लीजिए। इसमें दिया गया है दोस्तों कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के परीक्षा 2019 के अंतर्गत प्रोग्रामर ग्रेड वन परीक्षा जो होगी, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड वन की जो परीक्षा होगी दोस्तों, ठीक है, और ग्रेड बी की ये जो परीक्षा आपको दिया गया है, ये होगा आपका 1 सितंबर 2019 को परीक्षा कराई जाएगी। ठीक से आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर इसमें दिया गया है प्रोग्रामर ग्रेड वन, प्रोग्रामर ग्रेड टू, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी परीक्षा 2019 के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी परीक्षा, ये देखिए यहाँ पर ग्रेड बी जो परीक्षा है ये आपको 15 सितंबर को आपको ये कराई जाएगी, और इसको आपको 1 सितंबर को कराई जानी है। ठीक है, आगे आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि अगला है प्रोग्रामर ग्रेड वन, प्रोग्रामर ग्रेड टू, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी परीक्षा 2019 के अंतर्गत प्रोग्रामर ग्रेड टू, देखिए प्रोग्रामर ग्रेड टू परीक्षा, ग्रेड टू जो परीक्षा होगी, ठीक है, कंप्यूटर की, उसमें आपको कराया जाएगा 13 अक्टूबर 2019 को। यहाँ से आप देख सकते हैं अगला जो है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा सामान्य चयन दिव्यांगजन वैकलांग विशेष चयन मुख्य परीक्षा, ये जो 2018 की कराई जानी है दोस्तों, ये आपका मुख्य परीक्षा इस बार देखिए टल चुका था, तो अभी इसका मुख्य परीक्षा की डेट आ चुकी है। जो इसका डेट आया है वो 18/10/2019 से आपका मेन 2018 शुरू हो जाएगा। ठीक है, 18 तारीख से, ठीक है, 18 अक्टूबर से। अगला देखें दोस्तों, उसमें दिया गया है कि प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2017, यहाँ पर देखें प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा जो होगी आपकी, वह दिया गया है 3 नवंबर 2019 को आपको परीक्षा होगी, 3 नवंबर को। अगला प्रश्न है, अगला देखें परीक्षा जो है दिया गया दोस्तों, वह दिया गया है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा पीसीएस सामान्य चयन विशेष चयन प्रारंभिक परीक्षा 2019 तथा सहायक वन रक्षक ACF क्षेत्रीय वन अधिकारी RFO परिणामी परीक्षा, यानी कि जो PCS प्री होने वाला है वो आपका 2019 का PCS प्री होगा 2019 में ही, लेकिन ये दिसंबर में जा रहा है, 15 दिसंबर को आपको प्री परीक्षा होगी, UPPCS प्री परीक्षा 15 दिसंबर को कराई जानी है, जो आपको मेन एग्जाम इसमें दिखा रहा है। ठीक है, अब 2020 का कैलेंडर मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। 2020 का कैलेंडर आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें 2020 के कैलेंडर में 8 एग्जाम कराए जाने हैं। ठीक है, इसमें 8 एग्जाम दिया गया है, इसमें मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए, पहला एग्जाम जो आपका 2020 का है वह है सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2018, ये आपका जो होगा परीक्षा ये 16 फरवरी 2020 को करा जाना है। ठीक है, सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2018 की जो परीक्षा होगी वह 20 में कराई जा रही है, 16 तारीख को फरवरी में। अगला देखिए परीक्षा जो है वह है सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2018, यानी कि जो सहायक वन रक्षक परीक्षा वन क्षेत्र अधिकारी परीक्षा है 2018 की, वह आपका मेन कराया जाएगा 23 फरवरी 2020 से शुरू होगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न परीक्षा जो है वह दिया गया है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा सामान्य चयन मुख्य परीक्षा 2019, यानी कि आपका जो 2019 का जो प्री है वह आपको 15 तारीख को कराया जा रहा है। ठीक है, और इसका जो मेंस कराया जाएगा 2020 में कराया जाएगा वह आपको अप्रैल में कराया जाएगा। ठीक है, 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगा 2019 का मेन। ठीक है, अगला देखिए
सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा जो होगा इसमें वह आपका कराया जाएगा 16/5/2020 से, ठीक है, यानी कि मई से आपका कराया जाएगा सहायक अभियोजन परीक्षा 2018 की मेन। अगला देखिए यहाँ पर सम्मिलित राज्य पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 तथा सहायक भवन परीक्षा की जो परीक्षा कराई जानी है वह आपको कराई जानी कि 21 जून को आपको पीसीएस प्री परीक्षा कराई जानी है 2020, पीसीएस प्री परीक्षा 2020 21 जून को आपको कराई जानी है दोस्तों। अगला देखें यहाँ पर देखिए सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी मुख्य परीक्षा आपको जो कराई जानी है परीक्षा ये आपका होगा दोस्तों 2019 का, वह 16 जून 2020 से शुरू होगी। और अगला देखें सम्मिलित राज्य परिवहन अधिनियम सेवा मुख्य परीक्षा जो होगा ये 2020 का, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 15 अक्टूबर 2020 से शुरू होगा। आगे आप देखें सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2020 का तीन तारीख को होगा दिसंबर में, ठीक है 2020 से। ये आप सभी का 2019-20 का कैलेंडर था दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें अभी न्यूज़ ना मिली हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।